दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूं Asus का Zenfone Max Pro After 10 Days और आज हमारे साथ इस रिव्यू में हैं अनुज भाई गिज्मो ज्ञान चैनल से। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चैनल को चेकआउट करना ना भूलिए। सो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम हरिओम और आप देख रहे हैं टेक इन टिप्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अनुज भाई से पूछते हैं, अनुज भाई आपने ये फोन कितने दिन यूज़ किया अभी? मैंने लगभग एक महीने से ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। हाँ अनुज भाई एक महीने से यूज़ कर रहे हैं और मैं भी 15 से 20 दिन हो गए, बट मैं आपको 10 डेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10 डेज मैंने रेगुलर इसको यूज़ किया है। और फ़ोन की सबसे पहले बात करी जाए, डिस्प्ले क्वालिटी आपको कैसी लगी अनुज भाई? डिस्प्ले मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके डिस्प्ले में। डे लाइट कंडीशन में भी आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, नाइट में भी आपको अच्छी देखने नाइट में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है डिस्प्ले में इसके। और दोस्तों बात करी जाए परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको कैसा लगा? परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है, हीटिंग इशू भी मैंने इसमें कोई फेस नहीं किया, गेमिंग भी मैंने इसमें की है काफ़ी, कोई भी इसमें हीटिंग इशू नहीं है। दोस्तों गेमिंग से याद है, आप लोगों को पता होगा मैंने इसमें एसफॉल्ट 9 प्ले किया था जो कि अभी इतना हाई एंड गेम है और 1.6 GB से भी ज़्यादा का है, तो मैंने इसमें प्ले किया था, आप लोगों को पता है इसमें गेम जरा सा भी लैग नहीं हुआ था, तो गेमिंग के मामले में यार काफ़ी अच्छा है फ़ोन और नो डाउट बढ़िया है। लेकिन हो सकते हैं चार्जिंग के टाइम थोड़ा सा वार्म हो सकता है फ़ोन हो जाए, इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब उसको आप हीटिंग नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत वार्म हो सकता है चार्जिंग। चार्जिंग करते समय फ़ोन तो हल्का फुल्का गर्म होता ही है और वो इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, सभी डिवाइस वो थोड़ा बहुत गर्म होते हैं। हाँ तो उसको आप कोई मेजर इशू की तरह ना लीजिएगा, वो नॉर्मल है। अब मेन बात आती है इस फ़ोन के हाईलाइटिंग फीचर जो कैमरा था, और भैया कैमरे की बात करें तो कैमरे में आपको डे लाइट कंडीशन में फोटोज अच्छी देखने को मिलती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अनुज भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे इसका सेल्फी कैमरा उतना अच्छा नहीं लगा, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सेल्फी कैमरा को। हाँ सेल्फी कैमरा को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट आपको रियर कैमरा इसका अच्छा परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत है, अभी स्ट्रगल करता है थोड़ा बहुत, लेकिन प्राइस के हिसाब से आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा कैमरा है। 11,000 के हिसाब से, 11,000 में इस प्राइस सेगमेंट में, और स्नैपड्रैगन का 636 और साथ ही में इसमें फेस अनलॉक है, वो भी ठीक है। डे लाइट कंडीशन आप देखेंगे दिन में काफ़ी फास्ट, मतलब कैसे मिड रेंज सेगमेंट के परफॉर्म करते हैं, बट एक आप सोचें कि 1+6 की तरह तो वो मुश्किल है इतना। बाकी ये है कि इसका फेस अनलॉक सिक्योर है, जैसे कि रियलमी में हमको पता है जो फेस अनलॉक है वो आंखें बंद करके भी काम कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता। और दोस्तों उसके बाद बात करी जाए फ़ोन की बैटरी की, तो बैटरी इसमें 5000 mAh की देखने को मिलती है। भाई आपको कितना बैटरी बैकअप दिया इसने? बैटरी बैकअप मुझे इसे 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप मुझे मिला है नॉर्मल यूज़ में। नॉर्मल यूज़ में, और गेमिंग एंड इंटरनेट जब चलाते हैं तो आपको 1 दिन का तो डेफिनेटली देता ही है। बैटरी बैकअप इसमें बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा क्योंकि इसमें आपको स्टोक एंड लोड वाला इंटरफेस मिलता है, तो उसके साथ बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर बात करी जाए 10,999 के प्राइस में ये फ़ोन कैसा है? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, नो डाउट आप इसे परचेज कर सकते हैं, बट हाँ आप इससे थोड़े ऊपर पैसे डालते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं अपना बजट, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा इसका जो एक और वेरियंट आने वाला है 6 GB रैम वाला, तो वो भी बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी रहेगा 15,000 की प्राइस रेंज में। उसमें जो कैमरा है वो इम्प्रूव कर दिया गया है। दूसरा इसमें एक और मुझे अच्छी बात लगी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो इसका कैमरा है ये बाहर की साइड नहीं निकला हुआ, जैसे कि आपको Redmi Note 5 Pro या Motorola के जो डिवाइसेज है उसमें आपको देखने को मिलता है, वो दिक्कत आपको इसमें नहीं आती। और उसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात है इसमें आपको Android 8 देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी एक प्लस पॉइंट है इस रेंज में। आपको देखो बहुत से और भी फोन है जिनमें आपको Android 8 भी देखने को नहीं मिलता है। और अनुज भाई आप क्या सोचते हैं इस फोन के बारे में? ऑल ओवर ड्यूल 4G वोल्टेज इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है, ये एक साथ आप 2 Jio SIM भी यूज़ कर सकते हो, तो ये Jio SIM वाले खुश हो जाओ। मतलब खाली ये एडवांटेज नहीं है कि 2 Jio SIM यूज़ कर पाओगे, इसका एडवांटेज है कि मान लो आप एक एयरटेल यूज़ करते हो और एक जियो, दोनों में आपको डेली का 1 GB डेटा मिल रहा है, तो ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि डेटा आप जियो का ही ऑन रखो, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एयरटेल का भी ऑन कर सकते हो। और अनुज भाई इसके प्रोसेसर की बात करी जाए तो फिर काफ़ी अच्छा है, स्नैपड्रैगन 636 है इसमें, जो कि 11,000 की रेंज के हिसाब से मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त। और दोस्तों बैटरी की बात करो तो इसमें 5000 mAh की बैटरी भी आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात मुझे एक अच्छी लगी कि जो 5000 mAh बैटरी है उसके बाद भी ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट आपको लगेगा, उतना हैवी ये नहीं लगेगा। ये कंपेयर कर सकते हो आप Xiaomi के Mi A1 से, क्योंकि उतना ही ऐसा लगता है कि स्लिम है और बाकी उतना ही लाइट वेटेड आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको बैटरी दी गई है 3080 mAh आई थिंक, हाँ आई थिंक कुछ ऐसी है, बट ये कि मेरे हिसाब से 11,000 की रेंज में इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको। कैमरा डिपार्टमेंट, कैमरा ठीक है, क्लियर कैमरा ठीक है, डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। डिस्प्ले, यहाँ तक कि इसके कैमरा को आप डे लाइट में Redmi Note 5 Pro से ही कंपेयर कर सकते हो, काफ़ी क्लोज हैं दोनों के जो रिजल्ट्स हैं। डिस्प्ले,
डिस्प्ले अच्छा है फ़ोन का। और भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गिज़्मो ज्ञान, आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा देना। सो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो जोर से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करना। सो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इतना ही। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।